दोस्तों, हमारी धरती पर अनेक रंग बिरंगे कीट परिवार के सदस्य पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सुंदर व हमारे इकोसिस्टम के लिए उपयोगी होने के साथ साथ कभी कभार हम मानवों के लिए हानिकारक भी हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का कीट है ततैया यानी वाष्प। वैसे तो ततैया कई प्रकार के होते हैं, पर आपके आसपास सबसे ज़्यादा पीली ततैया दिखाई देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ततैया के डंक से बहुत लोगों को एलर्जी होती है और यह कीट त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, पर ततैया के डंक मारने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जहर इतना जहरीला नहीं होता कि इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके डंक से त्वचा में सूजन व तेज दर्द उत्पन्न होता है, जिसका इलाज बिल्कुल साधारण व बिना पैसा खर्च किए होता है। बेकिंग सोडा ततैया के जहर के लिए एक प्रभावकारी प्राकृतिक उपचार है। यह दर्द और खुजली से तत्काल राहत देता है। अगर किसी को ततैया काट ले तो एक चम्मच बेकिंग सोडा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को डंक मारे हुए स्थान पर 5 से 10 मिनट तक लगाएं, फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें। इससे दर्द व खुजली दोनों में राहत मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर आप यह विधि दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बेकिंग सोडा उपलब्ध नहीं है तो आप निम्न उपचार की विधियां अपना सकते हैं। दोस्तों, यह येलो पेपर वाष्प कीट है। हिंदी में इसे पीली ततैया के नाम से लोग जानते हैं। आप इसके जो पिछला हिस्से को देख रहे हैं, इससे एक सुई नुमा पतला डंक निकलता है जिसमें कि जहर भरा होता है, और यह उस सुई नुमा अपने डंक से जब किसी इंसान की त्वचा पर डंक मारती है या काटती है तो त्वचा में जहर इसका प्रविष्ट हो जाता है, जिससे कि त्वचा में बहुत तेज़ी से जलन होता है और त्वचा जो है सूज आती है, फूल आती है। अब आप देखे होंगे अक्सर, अगर आँख के पास किसी को ततैया ने डंक मारा है तो उसकी आँख पूरी ढक जाती है 1-2 घंटे में। तो इसका जहर इतना जहरीला होता है कि ये पूरी त्वचा को डैमेज कर देता है वहाँ के। और इसके डंक को उतारने का जो सबसे आसान तरीका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाता है, कि जहाँ पर यह डंक मारती है अगर वहाँ पर खट्टापन जो अम्लीय चीज़ें हैं उसको लगा देने से इसका डंक उतर जाता है, या फिर कुछ लोग मिट्टी के तेल, त्वचा पर मिट्टी का तेल लगा देने से इसका डंक उतर जाता है, तो ये विधियां अपनाती हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इस तरह के नॉलेजफुल एवं उपयोगी वीडियोज लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल की आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।